हेलो एवरीवन, फ्लेवर्स ऑफ माय लाइफ में आज आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि पहले फेस्टिवल सीज़न था तो हम लोग होम टाउन चले गए थे, और वहाँ से जब आए हैं तो वेदर चेंज के कारण पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर बेटे की तबीयत ख़राब हुई, तो मैं बिल्कुल कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन आप सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करे और उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और आप में से बहुत लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो फाइनली मैं एक वीडियो शूट कर पाई। तो आज मैं आपके साथ अपना सिंपल सा लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ। और आज बेटे का हॉलीडे भी है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और बेटा काफ़ी दिन से डिमांड कर रहा था कि मम्मा खीर बनाइए, तो फाइनली मैंने सोचा है कि आज मैं खीर बनाऊंगी। और आप में से बहुत लोगों ने मेरा किचन टूर का वीडियो ज़रूर देखा है, और तो थोड़े से चेंजेस किए हैं यहाँ पर किचन में मैंने, तो आप वो देख सकते हैं किचन टूर वाला वीडियो। मैं आई बटन पर उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और बस यहाँ पर खीर बना रही हूँ तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो बस सबसे पहले भगोने में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है जिससे खीर इसमें चिपकेगी नहीं। और बस यहाँ पर दो पैकेट लिए हैं मैंने फुल क्रीम मिल्क के, और एक नॉर्मल पैकेट लिया है जिससे खीर थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। और खीर को मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और काफ़ी टाइम लगता है इस तरह से खीर बनने में, तो सबसे पहले मैंने इसे सिम गैस पर ही रहने दिया है। बस इसे बीच बीच में चलाती रहूँगी तो ये साइड में बनती रहेगी। और साथ में है ये छोले जिन्हें मैंने रात में ही भिगो दिया था, तो एक अच्छा परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है छोले पूड़ी और खीर का। साथ ही मैंने यहाँ बस छोले को भी बॉयल होने के लिए रख दिया है और थोड़ा सा इसमें नमक और हल्दी भी ऐड कर दी है। आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से छोले बनाऊँगी, लेकिन इस मेथड से छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो बस यहाँ पर बीच बीच में मैं खीर को अच्छे से स्टर कर रही हूँ। और आज मैं थोड़ा सा केसर सोक करना भूल गई थी तो मैंने 5 जो स्ट्रिंग्स हैं अभी केसर के ऐड कर लिए हैं, तो स्टार्टिंग में ऐड करने से भी खीर में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और बस इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और खीर को हमेशा चलाते रहना है क्योंकि एक बार अगर खीर तले में लग गई तो फिर इसका टेस्ट एकदम से ख़राब हो जाएगा। अब जब तक छोले और खीर अच्छे से कुक हो रहे हैं तो दूसरी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। राइस को भी मैंने यहाँ पर पहले से ही सोक कर लिया था, अराउंड 20 मिनट्स हो गए हैं मुझे राइस को सोक किए हुए। और यहाँ पर मैं बस काजू बादाम को फाइनली चॉप कर रही हूँ। तो आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, बट हमें काजू बादाम ज़्यादा पसंद है तो मैं बस वही ऐड कर रही हूँ। और जब भी आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को कट करें तो अपने फिंगर्स का और हाथ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, केयर करें। मुझे काफ़ी प्रैक्टिस है तो मैं इस तरह से कर पाती हूँ। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसे अच्छे से कूट लें तो भी खीर में उसका टेस्ट अच्छा ही आएगा, लेकिन अपने हाथ का ध्यान ज़रूर से रखें। खीर को बॉयल होते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं, तो अब इसमें मैं बासमती राइस ऐड कर रही हूँ 3/4 कप जितना। तो राइस खीर में थोड़ा सा कम ही लेना होता है। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 3-4 इलायची ले ली है और इस इलायची को भी मैं अच्छे से यहाँ पर कूट लूँगी। और जब भी इस तरह से इलायची के छिलके बच जाते हैं तो मैं उसे चाय पत्ती में ऐड कर लेती हूँ, इससे चाय का फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। अब काउंटर टॉप पर जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसे मैं यहाँ से हटा रही हूँ। तो बस यहाँ पर खीर की सारी प्रिपरेशंस मेरी रेडी हैं और अब छोले की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और अभी तक छोले बॉयल हो रहे हैं यहाँ पर। और छोले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 प्याज, 3 टमाटर, 3-4 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा। और अभी ग्राइंडर में मैंने 10-12 कलियाँ लहसुन की, 1-2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा प्याज ऐड कर लिया है। और इससे हम दरदरा पीस लेंगे।
इसे हमें एकदम बारीक नहीं करना है। और उसके बाद मैंने ये बाकी के जो बचे प्याज हैं उसमें से आधा प्याज सैलेड के लिए यूज़ कर लिया है और एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। और जब हम इस तरह से प्याज को दो वैरायटी में कट करते हैं तो उससे भी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अलग हो जाता है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और अब यहाँ पर मैं अदरक को इस तरह से बारीक कट करूँगी और हरी मिर्च को भी मैंने यहाँ पर इस तरह से स्लिट कर लिया है। और अब टमाटर प्योरी बनाने के लिए मैंने टमाटर को भी अच्छे से कट कर लिया है और जो भी यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हुआ है उसे मैं साथ ही साथ हटाती भी रह रही हूँ, जैसे काउंटर टॉप मेरा हमेशा क्लीन रहेगा और उससे मुझे काम करना बहुत ईजी लगता है, तो मैं काउंटर टॉप पर से जितना भी सामान एक्स्ट्रा है उसे साथ का साथ हटाती रहती हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोले बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गए हैं और अब यहाँ पर ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। और आप देख सकते हैं कि खीर भी अभी हमारी बन रही है। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया है तो उसमें ऐड कर लेते हैं 3-4 काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाला है और थोड़ा सा तेज़पत्ता डाला है। फिर उसमें जीरा ऐड करके जो हमने दरदरा सा पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन प्याज का उसे ऐड कर लेते हैं। और सेम ग्राइंडर में मैं अब टमाटर को भी पीस रही हूँ और टमाटर का मैं एकदम प्योरी अच्छे से कर लूँगी। और जो हमने एक प्याज कट करके रखा था उसे भी अब ऐड कर लिया है। ये जब अच्छे से सब कुक हो गए हैं तब इसमें टमाटर प्योरी ऐड कर लेते हैं, तो उसी के साथ थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक को ऐड कर लिया है। जब तक ये अच्छे से कुक हो रहा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोले को मैश कर रही हूँ और थोड़े छोले को हम ऐसे ही रहने देंगे। और अब हम लास्ट में ऐड करेंगे यहाँ पर हरी मिर्च और अदरक। तो इस तरह से हम जब हरी मिर्च और अदरक को ऐड करते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत बहुत चेंज हो जाता है और बहुत ही टेस्टी छोले बनते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से कवर करके रख दिया है। और फाइनली अब मैं एक बार अपना प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन कर रही हूँ और रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस वही फटाफट से मैं आटा लगा लेती हूँ और पूड़ी का प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया है, मैं रोटी ही बना रही हूँ। गले की हालत आप मेरी देख सकते हैं कि अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है। और छोले अच्छे से बन गए हैं तो लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा छोले मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। और बस छोले को अच्छे से मिक्स करके इसे 2 मिनट के लिए और ढक के रख देंगे। और खीर भी ऑलमोस्ट बन गई है, एक बार खीर को भी चला लेते हैं। तवा यहाँ गरम होने के लिए लगा दिया है और साथ ही तवे पर घी भी रख दिया है क्योंकि विंटर का टाइम है तो घी जम जाता है। और बस अब मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ पर। और जैसे ही तवा गरम हो गया है तो उस पर मैंने रोटी डाल दी है और छोले भी अब बन गए हैं यहाँ पर। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और बस ये आप देख सकते हैं कि कितनी फूली फूली रोटियाँ बनकर तैयार है। तो बस अब इसी तरह मैं सारी रोटियाँ बना लूँगी और सारी रोटियों पर घी लगाते हैं हम लोग। और बस सारी रोटियाँ बनने के बाद फिर से एक बार प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही हूँ और ये मैं साथ ही साथ करती रहती हूँ जिससे कि किचन हमेशा क्लीन रहता है। और अब चलते हैं खीर की तरफ। तो बस लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और शुगर। बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब 2 मिनट के लिए और कुक होने दूंगी। तो मीठा बना है तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी मलाईदार एकदम खीर बनकर तैयार। तो बस यहाँ पर मैंने लंच भी सर्व कर लिया है, अब बेटा और मैं इंजॉय करेंगे इस लंच को। और बहुत ही यमी छोले बने थे उस दिन। तो बस भोग लगने के बाद बेटे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ और उसने प्लेटफॉर्म पे ही खाना स्टार्ट कर दिया।
तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा लंच रूटीन। तो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।